क्या कह सकते हैं, महंगाई इतना बढ़ गया तो क्या हम बोलेंगे तो कम कर देंगे मोदी जी? बाबा जी का ठुल्लू विकास कर रहे, बाबा जी का ठुल्लू विकास कर रहे। ढोल बजाना जानते हैं ना, वही बजा रहे हैं। करेंगे क्या बोलो स्मृति रानी, दिल्ली में 400 जब सिलेंडर था तो महंगाई के मार रो रही थी, अग्नि 1200 में ना सब्सिडी भी नहीं आ रहा, अभी कहाँ गई दुकान में इतना पैसा खर्चा करके? सरकार का पैसा का तो ये लोग मजा उड़ा रहा है। हर इज्जत का हर मालिक होता है, तो नीतीश कुमार चाहिए ना कि हमारा गरीब लोग कैसे जिंदा रहेगा। खाली रोड आप पुल बनाने से गरीब लोग का अति हो जाएगा। देश में महंगाई बढ़ गई है, जनता भी का कहना है कि महंगाई बढ़ी है, पर जो लोग हैं उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे क्या कितनी महंगाई बढ़ी है, क्या वर्तमान सरकार से खुश हैं या नहीं हैं। तमाम लोग जो कस्टमर हैं, खरीदार हैं, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे क्या लग रहा है भैया देश में महंगाई बढ़ गई। बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सब चीज़ महंगा हो गया, सब चीज़, तेल, डालडा, चीनी, आटा, मैदा, सब टोटल, चावल, दाल, सब महंगा हो गया टोटल। क्या आगे आने वाला चुनाव भी है, क्या लगता है? मोदी जी तो अपना खेल खेल ही रहा। मोदी जी ठीक चल रहा है, खेल खेल ही रहा। क्या कहिएगा दादा, काफ़ी लंबे दौर देखे हैं, क्या लग रहा है देश में महंगाई बढ़ी है? बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। गैस लॉकडाउन के पहले 600 था, कुछ बैंक में पैसा ज़्यादा था, अब सीधे 1225 हो गया। कोई सब्सिडी नहीं, कोई बैंक में पैसा नहीं जा रहा है, समझे? ये राज रहेगा, ये गरीबों को कहीं देंगे 15 लाख रुपया देंगे मोदी जी, तो 15 लाख तो हर आदमी पर कर्जा हो गया देश पर, 15 लाख रुपया कर्जा हो गया। हाँ, एक आदमी पर 15 लाख कर्जा सबसे लोन लिए हुए हैं मोदी जी, समझे? और नीतीश कुमार तो खैर कहना ही नहीं है भाई, इनको तो कोई कहना ही नहीं है। नीतीश कुमार के बारे में क्यों कुछ नहीं कर रहे? क्या कहेंगे हम इनके बारे में? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप को प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हैं। अच्छा, महंगाई का जिम्मेवार किसके हो? वो तो बस सेंट्रल का है, मोदी का है। अब अपने राज में आप रहते हैं तो आपको बच्चा के कैसे खिलाना है वो तो आपने समझिएगा। हर स्टेट का हर मालिक होता है, तो नीतीश कुमार चाहिए ना कि हमारा गरीब लोग कैसे जिंदा रहेगा। खाली रोड आप पुल बनाने से गरीब लोग का अति हो जाएगा। चलिए ठीक है, कुछ और भी खरीदार हैं उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे। थोड़ा सा आप भी खरीदारी करने आते हैं, पहले भी खरीदी करते होंगे, क्या लग रहा है महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो बढ़ी है, सबके लिए बढ़ी, मेरे लिए थोड़ी ना स्पेशल बढ़ी है, सबके लिए बढ़ी बिल्कुल। क्या लग रहा है कैसे घर बार चलाने में मुश्किल है? सॉरी यार। चलिए ठीक है, क्या कहिएगा, क्या महंगाई बढ़ी है? हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों, क्या महंगाई के खिलाफ बोलना नहीं है, फिर महंगाई है नहीं? क्या कह सकते हैं, महंगाई इतना बढ़ गया तो क्या हम बोलेंगे तो कम कर देंगे मोदी जी? नहीं, वही लोगों से राय ले रहे हैं क्या? तो जो कर कह दिए वही करते हैं वो। क्या कह दिया? या हम इतना रेट लगा दिया गैस का, इतना रेट लगा दिया इसका, बस वही होता है, किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं होता है। क्या आप लोग परेशान हैं महंगाई? परेशान सब लोग हैं, महंगाई से कौन परेशान नहीं होगा? महंगाई से परेशान कौन नहीं होगा? पर जो सरकार में लोग हैं, केंद्र में लोग हैं, वो कह रहे हैं महंगाई नहीं है, विपक्ष के लोग केवल ढोल पीट रहे हैं महंगाई का नाम। जो पक्ष में है तो वो बोलेंगे ही, जो उनके पक्ष में तो वो बोलेंगे ही कि महंगाई नहीं है। चलिए यहाँ भैया हैं, क्या बोल रहे हैं भैया? स्मृति रानी, दिल्ली में 400 जब सिलेंडर था तो महंगाई के मार रो रही थी, अग्नि 1200 में ना सब्सिडी भी नहीं आ रहा, अभी कहाँ गई? 1250 सिलेंडर हो गया ना, अब तो सब्सिडी भी नहीं आ रहा, और उसमें 400 में ना महंगाई था 8 साल पहले, अब 8 साल में डबल से भी ना पार कर गया, 3 गुना हो गया। पर विपक्ष के लोग कह रहे हैं महंगाई है। हाँ, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, सत्ता दल के लोग कह रहे हैं कि नहीं महंगाई नहीं बढ़ी, हम लोग देश में विकास बहुत किए हैं। अब क्या विकास हुआ है? हाँ, लेकिन महंगाई का दर जो बढ़ा है वो बहुत अधिक बढ़ा है, उठाई ना
महंगाई का दर बहुत अधिक बढ़ा अच्छा, है नहीं बढ़ा चाहिए। आप दुकानदार हैं, आपके पास लोग खरीदी पहले भी करने आते हैं और अब भी करने आते हैं, क्या इस मुद्दे पे चर्चा होती? एकदम होती है कि भाई जो बोलता था कि हमारा 5,000 में सब सामान होता तो अभी 7,000 8,000 9,000 पहुँच जा रहा है। जो ये महंगाई कम से कम 2026 27 28 में आना चाहिए था जो अभी आ गया। 27 वाला महंगाई अभी आ गया। हाँ मतलब महंगाई तो हर दिन बढ़ते जाएगा लेकिन एक रेशियो से जो बढ़ना चाहिए बहुत अधिक तेजी से बढ़ गया। पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं हम लोग देश में विकास भी तो कर रहे हैं। विकास हाँ विकास कर रहा है लेकिन विकास के नाम पर महंगाई बढ़ा के ऐसा तो नहीं होना चाहिए। विकास भी हो और मतलब लेवल में बढ़े, महंगाई बढ़े हम तो जान ही रहे हर समय बढ़ना है, लेकिन ये जो बढ़ने का रेशियो है ना वो बहुत गति में है। जो लोग हाँ जो लोग खरीदारी करते हैं यहाँ पर आके हर महीने, अब उनका बजट बढ़ते जा रहा है, इनकम बढ़ नहीं रहा है। इनकम बढ़ने या महंगाई बढ़ रहा है। हाँ कुछ और लोग भी हैं अंकल जी, बहुत समय से आप हैं, तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, क्या लग रहा है देश में महंगाई बढ़ी? महंगाई तो बढ़ ही है, महंगाई बढ़ ही है। विपक्ष के लोग आवाज़ उठाते हैं तो सत्ताधर के लोग कहते हैं कि झूठ मूठ का ढोल पीट रहे हैं, कहाँ महंगाई बढ़ा? नहीं नहीं महंगाई तो बढ़ा है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ई लोग से ठीक है। क्या लग रहा है जिस महंगाई का 24 के चुनाव में फर्क देखने के लिए मिलेगा असर? ना विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि बहुत महंगाई हो गया है। ना ना नहीं आपकी बदल जाएगा मोदी सरकार वो नहीं है। चलिए कुछ और लोग भी हैं उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कहेंगे। क्या अंकल जी देश में महंगाई है? महंगाई तो है ही, इसमें कहाँ कोई दो राय है कि महंगाई नहीं है। जिस हिसाब से महंगाई है लोग का आमदनी भी बढ़ा है, ऐसा नहीं केवल महंगाई ही बढ़ा है आमदनी भी बढ़ा है। और अभी सामने में आपके जो दुकानदार साहब कह रहे हैं जिस रेशियो से इनकम बढ़ा उस रेशियो उससे कई गुना ज़्यादा महंगाई बढ़ा है। नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, दोनों में है। अरे थोड़ा कभी अंतर ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, सोर्स बढ़ा है। पहले जिस हिसाब से आदमी का इनकम होता था अभी क्या है कि इनकम का सोर्स ज़्यादा बढ़ा है। अच्छा। लोग के पास ऑप्शन बढ़ा है जिससे कि वो अपना धन अर्जित कर रहे हैं और अपना घर घरेलू कार्य कर रहे हैं। क्या लग रहा है 24 का चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, ये तो एक जनरल मुद्दा है और महंगाई का तो उस समय क्या स्थिति होगा, लोग तो अपना मत बना के रखे ही हैं कि उसके ये में क्या किया जाएगा। आगे चुनाव है, क्या लग रहा है महंगाई देश में है? महंगाई तो पूरा देश में है, पूरा महंगाई है। क्या चीज़ के बारे में बताया आदमी, हर चीज़ की महंगाई है। पर बीजेपी के लोग कर रहे हैं देश में हम लोग विकास कर रहे हैं, विपक्ष के लोग झूठ मूठ का ढोल बाबा जी का ठुल्लू विकास कर रहे हैं। ढोल बजाना जानते हैं ना, वही बजा रहे हैं। वो लोग करेंगे क्या? वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, कर का रहे हैं, देख लीजिए आप खुद दिख रहे हैं ना क्या कर रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं कि जितना हमने काम कर दिया देश में किसी ने नहीं किया। आप 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, यही किए हैं। कांग्रेस ने 70 साल में कुछ किया है बोलते हैं लोग, आई 10 साल में पूरा ये कर दिए, एक वो कॉलेज बनवाए हैं, एक भी मेडिकल अथी बनवाए हैं, हॉस्पिटल बनवाए हैं, कहाँ बनवाए हैं? कुछ नहीं किया है। 3,000 करोड़ का बनवाए हैं, एक मूर्ति वल्लभ भाई पटेल का, और क्या बनवाए हैं? एक वो बनवाए हैं, आपको क्या बोलते हैं उसको, वो बनवाए हैं इतना पैसा खर्चा करके, सरकार का पैसा का तो ये लोग मजा उड़ा रहा है। चलिए सरकार के पैसा का जो लोग हैं वो मजे उड़ा रहे हैं। देखिए हम आम लोगों से जुड़ रहे थे और जान रहे थे, महंगाई पर बात कर रहे थे, क्या देश में महंगाई है? 24 के चुनाव में इसका फ़र्क देखने के लिए मिलेगा, क्या महंगाई मुद्दा होगा? तमाम लोग हैं वो अपना बयानों को रख रहे थे, आपने सुना। बाकी के तमाम खबरों के लिए बने रहे।